हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कल के पॉडकास्ट में आप सभी को बताया था कि किस तरह से चबूतरा ने अपने इन-लॉज के साथ में लड़ाई की, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी जल्दी मौदा वापस चले गए। एंड ये चीज़ें इसके व्लॉग में साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि ये तो जस्ट इम्पॉसिबल है कि चबूतरा 4-5 दिन का ब्रेक ले ले अपने व्लॉग से एंड व्लॉग अपलोड ना करे। एंड रीज़न यही दे कि उसे फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना था, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं किया। कहीं भी व्लॉग में ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। बिकॉज उसने व्लॉग बनाया ही नहीं। 4-5 दिन का जो ब्रेक वो बोल रही थी कि उसने लिया है, उस 4-5 दिन में सिर्फ और सिर्फ गुटका किंग ने व्लॉग बनाया, सिर्फ और सिर्फ उसने वीडियो शूट किया जिसमें चबूतरा का नामो निशान भी नहीं था। एकाध क्लिप होगा जिसमें कि चबूतरा नज़र आई, अदरवाइज़ पूरा शूट जो है वो गुटका किंग ने खुद ने अकेले ने किया। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि गुटका किंग ने बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग वे में एंड साथ ही साथ चबूतरा ने भी बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग वे में दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की है। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि चबूतरा का फ़ोन तोड़ दिया गया होगा, बिकॉज़ नाज़ा खाला जब वापस जा रही थी उस टाइम का जो पिक्चर कैप्चर किया गया, उस टाइम का जो वीडियो शूट किया गया वो डिलीट कर दिया गया। ये बात भी चबूतरा ने अपने व्लॉग में बोली कि नाज़ा खाला के जाने के टाइम का जो वीडियो था वो मैंने डिलीट कर दिया, वो डिलीट हो गया क्योंकि व्लॉग टुकड़ों में बना हुआ था। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है ना, इनका रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है कि साफ साफ नज़र आता है कि ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते हैं जब ये लोग दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो हो सकता है कि उसी लड़ाई में चबूतरा का फ़ोन भी तोड़ दिया गया होगा, जिस वजह से नाज़ा खाला का जो वीडियो था वो डिलीट हो गया होगा। डिलीट क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक आपका अगर फ़ोन ही टूट गया तो वो वीडियो भी ख़त्म हो गया। लेकिन बात को घुमा फिरा के कहने के चक्कर में चबूतरा ने कह दिया कि उसने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इन्हीं के ब्लॉग से मिले हैं जो कि हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जब चबूतरा के इन-लॉज वापस जा रहे थे तो जाने से पहले वो लोग सुटारा बेगम से मिलने के लिए आए थे। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि मतलब उनको नाश्ता कराया गया, इतना हैवी नाश्ता, इतना मेहनत वाला नाश्ता। मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे नाश्ता कभी नहीं देखा कि अगर घर पे आपकी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि बेटी के ससुराल वालों की तो ज़्यादा खातिरदारी की जाती है बिकॉज़ आपने अपनी बेटी उनके घर पर दी है, तो आप जैसा उनके साथ में करोगे वैसा ही बिहेवियर आपकी बेटी के साथ में वो लोग करेंगे। तो उनका तो और ख़ास ध्यान रखा जाता है, उनको तो मतलब नॉर्मल लोगों को तो आप नॉर्मल से प्लेट में, नॉर्मल सी थाली में भी खिला दोगे, लेकिन अगर ससुराल वाले आते हैं बेटी के तो उनके लिए तो स्पेशली चांदी की थालियाँ निकलती है कि नहीं उनको इसी में खिलाना है, कांसा पित्तल की थालियाँ निकलती है कि नहीं उनको इसी में खिलाना है, ताकि वो लोग भी मेरी बेटी को उतना केयर करें। सो ऑन दी अदर हैंड चबूतरा ने इतना केयर किया, सॉरी सुटारा बेगम ने इतना ज़्यादा केयर किया अपनी बेटी के ससुराल वालों का, मतलब इतना हैवी मील, इतना स्पेशल नाश्ता, इतना मेहनत वाला नाश्ता बना करके उनको दिया कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। मतलब फ्रूट्स भी नाश्ते में खा सकता है इंसान, मैंने तो सोचा ही नहीं था आज तक। अब वो भी एक जन नहीं है कि कोई एक पर्सन है तो चलो उसको हमने ये दे दिया, जितनी भी मौदा की टोलियाँ थी, चाहे वो चबूतरा के इन-लॉज हो, सास ससुर, या फिर उनके घर पे जो काम करती है वो रुखसाना बाजी, या फिर उसके साथ में कृष्णा, जो कोई भी था, सबको सिर्फ प्लेट्स में इन लोगों ने फ्रूट्स काट करके दिया एंड वो इन लोगों के लिए नाश्ता था, उसको ये लोग नाश्ता बोलते हैं, एंड वही खिला करके इन लोगों ने चबूतरा के इन-लॉज को घर से विदा कर दिया। मतलब सोचिए आप लोग, जब ससुराल वाले आते हैं तो बहू अगर मायके में है तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि पहला तो वो नाश्ता अच्छे से बना करके दे, दूसरा उसे टिफ़िन भी भर करके देना चाहिए था, रास्ते में खाने के लिए कुछ बना करके स्पेशल चीज़ देनी चाहिए थी। एंड अधिकतर घरों में ये चीज़ होती है, अधिकतर जगह पे ये चीज़ होती है, एंड सेम चीज़ ससुराल वाले भी दोहराते हैं जब बहू मायके आने वाली रहती है,
तो ससुराल वाले भी, ननद भी अपनी भाभी के लिए कुछ ना कुछ बनाती हैं, कुछ पैक करके भी देती है ताकि वो अपने साथ अपनी जर्नी में ले करके जाए और रास्ते में खाए। इवन उसके मायके वालों के लिए भी देती है कि आप अपने मायके वालों को भी देना जब आप घर पहुंच जाओगे तब। तो ये चीज़ दोनों तरफ से की जाती है, लेकिन यहाँ पे तो चबूतरा का कुछ भी एफर्ट्स नज़र नहीं आया। ना तो सुटारा बेगम का कोई एफर्ट्स था, ना ही चबूतरा की कोई एफर्ट्स थे। हाँ, अगर नाज़ा खाला या फिर बेटी खाला में से कोई भी उस समय घर पे अवेलेबल होते तो शायद उनको नाश्ते में कुछ पराठे मिल जाते, लेकिन जबकि दोनों में से कोई भी नहीं था तो सुटारा बेगम से तो इतना काम होगा नहीं। इसलिए बेचारी ने अच्छे खासे वे में बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से अच्छा खासा फ्रूट्स कट कर करके उनको नाश्ता करने के लिए दे दिया। एंड जैसे ही वो लोग चले गए तो रात में इनके घर पे चिकन बनती है जो कि खुद चबूतरा बनाती है। उस टाइम पे उसका फ्रेंड्स घबराहट ख़त्म हो गई फ्रेंड्स, वो वाली घबराहट भी ख़त्म हो जाती है, उसका तबीयत भी ठीक हो जाता है, उसका मूड भी ठीक हो जाता है, उसकी व्लॉगिंग भी स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर सबसे बेशरम बात तो ये है कि गुटखा किंग ने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कैसे की। चलो एक पल के लिए अगर नाश्ता नहीं भी दिया गया तो गुटखा किंग ने बाहर से जा कर के उनको बहुत सारी चीज़ खाने पीने की खरीद करके दिए जो कि वो अपनी जर्नी में खा सकते थे। ये भी इनके ब्लॉग में साफ नज़र आया कि गुटखा किंग बाहर की चीज़ें खरीद करके अपने मम्मी पापा को दे रहा है कि ये सब कुछ तुम लोग रास्ते में खाना। उसके बाद जब वो इंसान वापस घर आता है एंड चबूतरा उसे चिकन बना करके देती है तो वो इतने प्यार से एकदम उंगलियाँ चाट चाट करके चिकन खा रहा है। उसे ज़रा सा भी शर्म नहीं है इस बात की कि मेरे माँ बाप भूखे प्यासे घर से चले गए, रास्ते में खाने तक को उनको मैंने खरीद करके दिया। एंड जैसे ही वो लोग चले गए तो उनके जाने के बाद यहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं, यहाँ पे चिकन बनाया जा रहा है, तो मैं वो चिकन कैसे खाऊं? अगर यही चिकन जो रात में बना अगर सुबह बन जाता तो मेरे माँ बाप भी खा करके चले जाते, या फिर अगर सुबह नहीं बनता तो उनको जाने के टाइम पर बना करके दे देते तो वो लोग रास्ते में खा करके जाते। अब वो लोग घर पहुंचेंगे, कुछ बनाएंगे तब तो फिर कुछ खाएंगे ना। तो यहाँ पर गुटखा किंग भी मतलब सेम टू सेम वो भी बेशरम है। भले उसने चबूतरा को डांटा हो, चिल्लाया हो, झगड़ा किया हो, लेकिन उसको भी पता है कि ये सोने की जो मुर्गी है इसके बिना गुटखा किंग का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खुशामदीद की स्पॉन्सर्ड तो चबूतरा ही है ना। अगर चबूतरा अपने घर से पैसे नहीं लगाएगी तो खुशामदीद चल नहीं पाएगा, क्योंकि जेन्युइन है कि जिस जगह पे इन लोगों ने वो जगह पे रेस्टोरेंट बनाया है एंड जिस तरह के स्टाफ्स इन लोगों ने रखे हैं, जिस तरह का इन लोगों ने डिश रखा है, लाइटिंग वगैरह, तो जितना इनकम आता है ये सब तो वही सब चीज़ों में चला जाता होगा, या तो सामान में, स्टाफ्स को पे करने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में, इन सारी चीज़ों में ही इनका जो इनकम आता है वो चला जाता है, कुछ बचता तो उनसे होगा नहीं। तो बाकी तो घर से ही इन्वेस्ट करना होगा, तो घर से कौन इन्वेस्ट करेगा? चबूतरा। एंड चबूतरा अगर करेगी तो कहाँ से करेगी? ब्लॉग से ही करेगी। तो भले इस बात पे गुटखा किंग ने चिल्लाया ज़रूर है चबूतरा पे, गुस्सा ज़रूर किया है कि ब्लॉग ही सिर्फ ब्लॉग करते रहती हो, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो भी जानता है कि ब्लॉग के बिना उनका घर नहीं चलने वाला है। इसलिए उसने मतलब लड़ाई तो कर ली, लेकिन बाद में जाकर के चबूतरा के पैरों पे गिर गया, जो कि व्लॉग में भी दिख रहा था क्योंकि उसने खुद ने ही व्लॉग शूट किया। सभी जगह पे खुद गुटखा किंग ने व्लॉग शूट किया, चबूतरा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। लास्टली चबूतरा नज़र आई है जब सब कुछ हो गया तो क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि फ्रेंड्स मुझे फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना था इसीलिए व्लॉग नहीं बनाया, जो कि साफ साफ झूठ है एंड साफ साफ नौटंकी है। तो खैर इनके व्लॉग में इनका दोगलापन तो साफ साफ नज़र आ गया। दोनों को पता है कि ना तो चबूतरा जैसी सोने की मुर्गी गुटखा किंग को मिलने वाली है, एंड चबूतरा को भी पता है कि ना ही इस के जैसा गुलाम पति उसको दूसरा कहीं मिलने वाला है जो इसके इतने नखरे झेले, जो सास ससुर इसके इतने नखरे झेले। इसलिए दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं, इनका ये टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। अब देखना यही है कि इनका ये टॉक्सिक रिलेशनशिप और आगे कहाँ तक चलता है। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे, बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, एंड आई नो अगर आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि चबूतरा को अपनी हरकतें सुधारने का मौका मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।